हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैथ के क्लास में आपको आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन कराते हैं। साधारण ब्याज, जैसा इसका नाम है वैसे साधारण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, बस इसमें एक बात ध्यान देना होता है। साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वह हर वर्ष बराबर रहता है। जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया है, इस पर अगर 10% ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगने का मतलब हर साल 10 रुपये ब्याज होगा। 10% प्रतिवर्ष ब्याज आपको बोलता है, 100 रुपये पर हर साल का ब्याज जो होगा एक साल में 10 रुपये ब्याज होगा। अगले अगर 2 साल के लिए यही पैसा रखा जाता है तो अगले साल भी इसका ब्याज 10 ही रुपया होगा। इसमें ब्याज जो है हर साल बराबर लगता है, बस यही ध्यान रखना है साधारण ब्याज में। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह जो साधारण ब्याज होता है पहले साल उसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन में जुड़ जाता है, उसका भी ब्याज लगने लगता है। ब्याज के ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से वह ज़्यादा हो जाता है 2 साल में, लेकिन साधारण ब्याज जो है हर साल ब्याज उतना ही आता है। जैसे आपसे क्वेश्चन, एक साधारण क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, देखिए कितने आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। साधारण ब्याज जैसे दे दिया 100 रुपये है, आपसे पूछ दिया कि 10% ब्याज की दर पर, 10% ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज बताइए, ठीक है। साधारण 100 रुपये का, 100 रुपया है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो आप ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सौ, ये साधारण ब्याज बराबर होता है। साधारण, यही साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल पी रेट आर टाइम बटे 100, PRT बटा 100, ये तो फार्मूला हो गया साधारण ब्याज का। इसी पर सब क्वेश्चन लग जाते हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, साधारण ब्याज SI अपान पी को इधर ले जाए, प्रिंसिपल को नीचे ले लीजिए, मूलधन को, बराबर RT बटा 100। ये आपका आर्यन रेशियो के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन लगते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था 100 रुपया मूलधन था, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना था, यही ना। तो 100 रुपया मूलधन था, यहाँ रखेंगे 100, रेट कितना है 10%, समय कितना है 2 वर्ष, बटे 100 करेंगे, ये 100 100 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 रुपये ब्याज होगा। 100 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 20 रुपये होगा, ठीक है। बस आपको साधारण ब्याज में हर वर्ष जो है ब्याज उतना ही रहता है। जैसे मूलधन पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर ब्याज जो है हर वर्ष दिया है, जो रेट दिया है हर वर्ष उतना ही मिलता है, ठीक है। जैसे पहले वर्ष 10 रुपये ब्याज मिला इसमें, फिर अगले वर्ष 10 रुपये मिला, दोनों मिला के 20 रुपये ब्याज हो गया। 3 वर्ष का बोलता 30 हो जाता, 4 वर्ष का बोलता 40 हो जाता, ठीक है। या इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे 100 रुपये था, 10% की दर से 2 वर्ष का बोला है, इसका गुणा कर दो, 20% इसको बना दो। अब 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये होगा। 100 का 20% निकालने का मतलब यही हुआ, सीधा 20 रुपये ब्याज हो गया।
इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी में पूछा गया था उस क्वेश्चन को कराते हैं। दिया है साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और आगे 5 वर्ष की अवधि के बाद 1,020 रुपये हो जाती है। धन की राशि क्या दी? मूलधन पूछा है। ठीक है, 2 वर्ष बाद जो मूलधन था वो 720 रुपये 2 वर्ष के बाद हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे यहाँ से एक लाइन बना लीजिए, इसको नंबर लाइन पे सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ से लाइन बना लीजिए, ठीक है, यहाँ 2 वर्ष के बाद ये 720 रुपये हो जाता है और आगे 5 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 1,020 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ गैप कितना दिख रहा है? 5 वर्ष का, यहाँ 2 वर्ष का। अब यही देख लीजिए इसके बीच का अंतर कितना है। ये जो 720 रुपये से 1,020 रुपये हो रहा है, 300 रुपये बढ़ रहा है कि नहीं? 300 रुपये जो बढ़ रहा है वह ब्याज है 5 वर्ष में। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? जब 5 वर्ष में 300 रुपये हो रहा है, 1 वर्ष में 300/5 हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज जो है 60 रुपये आ गया। ये ब्याज 1 वर्ष का आ गया। अब ये 2 वर्ष के बाद 720 रुपये है, इसका मतलब इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज जो है 5 वर्ष, चूंकि 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपये है, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये हो जाएगा और यहाँ 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा है, तब जाके 720 रुपये है। मूलधन कितना था? अब 2 वर्ष का ब्याज इसमें से निकाल दूँ, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 रुपये। अब इसी में से घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा? 600। ये 600 रुपये क्या हो गया आपका? मूलधन। यही आंसर है, यही पूछा है। धन की राशि क्या है? धन की राशि हमको पता नहीं था, लेकिन वो धन जो है 2 साल बाद 720 रुपये हो रहा था और आगे 5 वर्ष में 1,020 रुपये हो रहा था। ठीक है, अब हम इनके बीच का गैप देख रहे हैं, 5 वर्ष का गैप है और पैसों का कितना गैप हो रहा? वही तो, ब्याज तो बढ़ा है, मूलधन तो बदलता नहीं, मूलधन तो वही है। मूलधन पर ब्याज लगा है, 2 साल के ब्याज ब्याज लगने के बाद 720 रुपये हो गया और आगे 5 साल का ब्याज जो लगा है उसकी वजह से 1,020 रुपये पर पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है? 300 रुपये। और समय कितना था? 5 वर्ष। 1 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 60 रुपये। ठीक है, ब्याज हर वर्ष उतना बराबर बराबर लगता है, तो 5 साल में 300 रुपये हुआ तो 2 साल के ब्याज 120 रुपये होगा। 120 रुपये इसमें से घटा देंगे, हमको मूलधन मिल जाएगा, वो राशि क्या थी हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं, वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। 1 वर्ष बाद 96 रुपये कमाता है, उसने 4% ब्याज दर पर कितनी राशि भुगतान किया? इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट से बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कई क्वेश्चन में वो लगेगा। जैसे इसमें 4% के ब्याज के दर पर पूछा है आपसे कितना राशि भुगतान किया था। ठीक है, अब टोटल क्या काम करिए, आप सभी धनराशि को जो 2,000 रुपये है उसको 5% साधारण ब्याज पर निकाल दीजिए, वो ब्याज कितना पा रहा है टोटल। अगर इसको 2,000 रुपये पर 5% साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना रुपये आ रहा है, और ये 96 रुपये से तुलना करा दीजिए, 4% साधारण ब्याज की दर से पूछा है तो हम क्या काम करेंगे, 5% पे पूरा निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, और ये कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चनों में लगता है, कई मैथ के कई चैप्टर में लगता है। ठीक है, जैसे 4% वाला पूछा है
तो हम क्या करेंगे, 5% में पूरा निकाल देंगे। ब्याज कितना आ रहा है, 2000 रुपये का 5% ब्याज निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। 2000 रुपये का 5% निकालेंगे, यही होता है 5%, यहाँ 20 पंचे 100 आ गया। ये ब्याज हमें कितना प्राप्त हो गया, 100, लेकिन क्वेश्चन में 96 रुपये कमाया है। क्वेश्चन पूछा 96 रुपये कमाया, वही ब्याज कमाया है। यहाँ 100 रुपये से 96 रुपये कितना कम है, 4 रुपये कम है ना। कम किसकी वजह से, कुछ पैसा वो 4% ब्याज की दर पे दिया था। हम टोटल जो है अमाउंट जो है 5% ब्याज पर निकाले, तो यहाँ 100 रुपये आ गया ब्याज, और ये कमाया कितना है, 96। इसका मतलब 4 रुपये कम कमाया है। किस वजह से कमाया है, कुछ पैसा जो अमाउंट उसका था कुछ, वो 4% ब्याज पर दिया था, तो 4 रुपये कम कमाया है। 4 रुपये कम कमाया है, देखो गैप कितना दिख रहा है, यहाँ गैप इसका इसका गैप कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका इसका अंतर सीधा 1 आ रहा है, तो 1% बराबर 4 आ गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे 400। इसका मतलब ये क्या आ गया, 4% ब्याज दर पर जो पैसा कमाया, कितना पैसा लगाया था, 400 रुपये लगाया था। एक बार फिर समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो 4% ब्याज की दर पे पूछा है, अगर यहाँ 5% वाला पूछता तो पूरा अमाउंट 4% निकाल देते। 4% पे पूछा है पूरा अमाउंट, हम क्या करेंगे, 5% साधारण ब्याज पर उसको कैलकुलेट कर देंगे। 5% इसका निकालेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ कितना है, 96 है, 96 से कितना 100 ज़्यादा आ गया, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किस वजह से ज़्यादा है, टोटल जो अमाउंट था टोटल अमाउंट पे 5% लग गया ना, 1% यहाँ से देखो इसका जो अंतर दिख रहा है, 1% दिख रहा है, वही 1% की वजह से ये 4 एक्स्ट्रा आया है। समझ में आ रहा है, 1% की वजह से 4 एक्स्ट्रा आया है। तो 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर 400। ये जो है 4% ब्याज दर पर जो अमाउंट लगाया था वो कितना लगाया था, 400 रुपये लगाया था। समझ में आया, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पर आधारित है अगला क्वेश्चन। दिया एक व्यक्ति के पास 5000 रुपये है, वह राशि का एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 4% साधारण ब्याज दर पर देता है। एक वर्ष बाद 220 रुपये कमाता है, उसने 5% ब्याज दर पर कितनी राशि का भुगतान किया। तो हम क्या बताएं कॉन्सेप्ट, अगर 5% जो पूछ रहा है उसके विपरीत जो है दूसरा, जो पूछ रहा है उसके विपरीत जो दूसरा है उसी पर ब्याज, टोटल अमाउंट का ब्याज निकाल लीजिए। टोटल अमाउंट कितना है, 5000 रुपये, 5000 रुपये है। इस पर 5% वाला पूछा है तो हम 4% पर टोटल अमाउंट पर 4% निकाल देंगे। 4% निकालेंगे कितना ब्याज हमें मिल जा रहा है, 200 रुपये, ठीक है, 4 पंचे 20, 200 रुपये आ गया। यहाँ कमाया कितना है, 220, कितना अधिक कमाया है, हम 4% निकाले हैं ना, कुछ अमाउंट जो है 5% पे भी वो लगाया था, इस वजह से वो 220 कमाया है। तो यहाँ कितना इसका अंतर दिख रहा है, 20 रुपया, 20 रुपये अंतर दिख रहा है। यहाँ परसेंटेजों का अंतर बराबर कर दीजिए, 1% बराबर सीधा यहाँ कर दीजिए, 1% बराबर जो यहाँ अंतर आ रहा है वही बराबर कर दीजिए। इस परसेंटेजों का अंतर और यहाँ जो अंतर आ रहा है ये दोनों को बराबर कर लीजिए। 1% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। 2000 रुपये जो है वो 5% की दर पर लगाया था, और 5000 टोटल उसका था, 2000 रुपये 5% पे लगाया था और 3000 रुपये 4% पे लगाया होगा। इसको चेक कर लीजिए 220 आ रहा है कि नहीं। अगर 2000 रुपये वो 5% पे लगाएगा कितना ब्याज यहाँ से मिलेगा, 5% निकालेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 100 रुपये आ रहा है, ठीक है, 20 पंचे 100। और 3000 रुपये शेष जो 3000 रुपये है वो 4% पे लगाया होगा, लगाया है, ठीक है, 4% पे निकालेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ रहा है कि नहीं। अब इसको दोनों जोड़ लीजिए, हमारा 220 आ गया, यही 220 रुपये कमाया है ना, यहाँ से आंसर चेक हो गया कि नहीं। तो इस तरह के सवाल आप अगर आपको मिलते हैं तो आप क्या काम करिएगा,
कॉन्सेप्ट यही है, जिसका पूछा है उसके विपरीत वाला। टोटल अमाउंट पर ब्याज निकाल लीजिए, निकालने के बाद उससे अंतर देख लीजिए, जो यहाँ कमाया है, जो यहाँ ब्याज प्राप्त किया है और जो हम निकाले हैं, वो दोनों का डिफरेंट कितना है, अंतर कितना है, देख लो। देखने के बाद परसेंटेजों का अंतर का बराबर कर दीजिए, आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखने से मिल रहा है 1% बराबर 20 आ रहा है, 100% बराबर 2000 होगा, इसका आंसर कितना होगा, 2000। 2000 रुपये जो है वो 5% ब्याज पर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है, 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। ठीक है, 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल राशि 1750 यानी 1750 रुपये थी। साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। वहाँ तो पिछले क्वेश्चन में 1 वर्ष का था, यहाँ दे दिया है 5 वर्ष। आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें जो टाइम है रेट में गुणा कर दीजिए। ठीक है, रेट में अगर इसको गुणा करेंगे, 5 वर्ष के लिए 5% दर पर कितना परसेंटेज बन जाएगा, 25% बन जाएगा। और 10 वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का कितना बन जा रहा है, 50% बन जा रहा है। ठीक है, यही 10% वाला पूछा है, इसका मतलब यहाँ 50% वाला पूछा है। 1 वर्ष के लिए करेंगे तो यहाँ 10% की जगह 50% वाला पूछा है आपसे। 50% वाला पूछा, टोटल अमाउंट क्या करेंगे, 25% में निकाल लेंगे। 25% में निकालेंगे कितना ब्याज मिलेगा, 5000 का 25% अगर निकालिएगा, 5000 रुपये का 25% हम निकालेंगे, कितना ब्याज प्राप्त होगा, 25 × 5 = 125। ठीक है, 1 0 है, 1 0 लगा देंगे, 1250 रुपये ब्याज हमें मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा था, 1750, 1750 मिल रहा है, यहाँ 1250 मिल रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है, 500 रुपये। ठीक है, और यहाँ परसेंटेजों का अंतर कितना दिख रहा है, 25%। बस यही 25% बराबर कितना होगा, 500 हुआ। 100% करेंगे तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा, इसमें भी 4 का गुणा कर दीजिए, 2000 रुपये जो है वह किस पर दिया था, 10% वार्षिक दर पर दिया था। बस आपको यहाँ एक चेंज करना था, 5 वर्ष के लिए ये दिया है, 5 वर्ष के लिए आरटी, ये दोनों आपस में गुणा कर दीजिए। शुरू में आपको बताया ना कि अगर जैसे 10% की दर से 2 वर्ष का दिया है तो क्या कर रहे थे, दोनों गुणा नहीं कर दिए थे, 20% निकाले थे। तो ऐसे ये भी है, 5% के वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, टोटल 25% हो जाएगा, और 10% की दर से 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब एक वर्ष के लिए परसेंटेज हो गया, इस अमाउंट पर 1 वर्ष का 25% निकालेंगे तो यही चीज़ आएगा, 5% से जो 5 वर्ष का निकालेंगे दोनों एक ही बात है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, 50% वाला पूछा है, 10% माने 10 × 5 = 50 किए थे ना, 5 वर्ष का गुणा किए थे, 50% वाला आपको पूछा है, तो यानी टोटल जो अमाउंट है, ये टोटल प्रिंसिपल जो है उस पर 25% हमको ब्याज निकाल लेना है। 25% ब्याज निकाले तो कितना आ गया, 1250 रुपये आ गया, 1250 रुपये। और यहाँ कितना प्राप्त है हमको, 1750, 500 अधिक प्राप्त है, और इसके बीच का गैप कितना है, 25%। यही 25% बराबर 500 होगा तो 100% बराबर 2000 रुपये होगा, 2000 रुपये हुआ, 10% की दर से दिया था। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा है, कितने समय में 4000 रुपये का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये होगा। ठीक है, बस इसमें बस यहाँ से ध्यान देना है, 6% जो ब्याज लग रहा है वह वार्षिक है, यानी 12 महीने में 6% लग रहा है। 12 महीने में जो ब्याज है
वह 6% लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको, 4000 रुपये का 400 कितना परसेंटेज है, इसको तुलना कराइए। 4000 रुपये का अगर 400 ब्याज मिला है तो कितना परसेंटेज मिला है, तो इसको हम बता पाएंगे कि इसका 10% दिख रहा है कि नहीं। 4000 रुपये का, 4000 रुपये का ये कितना परसेंटेज 400 है, 4000 रुपये का ये 10% अगर आप निकालेंगे तो 400 आ जाएगा कि नहीं। 400 दिख रहा है, 10% है, ठीक है। 12 महीने में ये 6% होता है, तो 10% कितने महीने में होगा, बस 20 महीने। कितना इजी तरीके से आप इसको उस कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ दिया है कितने समय में 4000 रुपये का 6% वार्षिक, 6% वार्षिक मतलब 6% जो लग रहा है ब्याज वो 12 महीने का है, ठीक है। और यहाँ हमको यहाँ से देखने से ब्याज से पता चल जा रहा है कि ये 4000 रुपये का 10% है। 10% लाने के लिए, हमको प्राप्त करने के लिए, इस अमाउंट पर 10% हमको पाने के लिए कितना महीना टाइम जाएगा। 6% ब्याज पर प्राप्त करने के लिए 12 महीना लग रहा है, 10% अगर हमको प्राप्त करना है तो 20 महीने लगेगा। इसका देखो यहाँ से डबल लग रहा है कि नहीं, तो यही 10% हमको ज्ञात करने के लिए 20 महीना लगेगा। कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से अगर समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन एकदम इजी है, जिस तरीके से बता रहे हैं अगर वो ऐसा समझ जाएंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी टाइम पूछा है। एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2613 रुपये बनता है, ठीक है। कितने वर्षों में समान दर पर, दर जो है समान है, जो 5% यहाँ दिया है ना, ये दोनों समान है, रेट समान है, यह राशि 3015 रुपये हो जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए आर ए रेशियो से इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे अगर कोई राशि है 6 वर्षों में कितना, हम आपको बताए थे आर और टी का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ कितना है, रेट कितना है 5%, टाइमिंग कितना है 6 वर्ष, अगर इसको आपस में गुणा करेंगे 30% बन रहा है कि नहीं। कोई धनराशि 30% के बाद जाके ब्याज मिला है, ब्याज शामिल होके तब जाके ये 2613 बना है। अगर हम इसको 100 मानेंगे, रेट और टाइमिंग का गुणा कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज, टोटल परसेंटेज निकल जाएगा। टोटल परसेंटेज 30% दिया है, 30% वो पाने के बाद 30% अगर 100 पर निकालेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 बराबर यही दिया है 2613। अब हमको यहाँ पता नहीं है, लेकिन ये कितना बाद में हो जा रहा है, रेट वही है, कितना हो जा रहा है 3015 हो जा रहा है। अब इसको यहाँ से तुलना करने पर यहाँ इसका मान दे देगा, 130 बराबर इतना है तो इतना बराबर यहाँ कितना आएगा आर्यन रेशियो से, ठीक है। जीरो को हटा देते हैं, यहाँ देखिए 13 है, 13 × 26 है, इसका मतलब यहाँ जीरो पहले से रख दीजिए, जैसे जीरो यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, जैसे 13 × 13, 13 × 26 है, यहाँ 15 × 15, 15 × 30 यानी 15 आएगा, ठीक है। 150 हो गया, 150 में 100 को बाहर करेंगे, 50 जो है आर और टी का गुणा करने पर 50 आएगा। आर का मान 5 है तो टी का मान कितना आ जाएगा 10, 5 × 10 यही 50 होगा, तो टाइमिंग कितना आ गया 10 वर्ष। आया समझ में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने अपने ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, इसका मतलब जो 4500 लिया है वो और प्लस ब्याज मिलाकर कितना भुगतान करना पड़ा।
अब ब्याज यहाँ निकालना है, 26 मार्च 2018 को वह ब्याज ऋण लेता है और उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुकाने चुका देता है, चुका दिया, उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। तो यहाँ दिन निकाल लीजिए कितना टोटल दिन हो रहा है, 26 मार्च 2018 से 7 जून तक अगर आप निकालेंगे टोटल 73 दिन आता है, क्योंकि 73 दिन पर ही क्वेश्चन अधिकांश बनते हैं। जैसे 26 मार्च हुआ, मार्च कितने का है, 31 का, यहाँ 5 दिन आ जाएगा, मार्च खत्म, अप्रैल 30 का, उसके बाद मई 31, जून 7। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 1 8 5 13 3 3 6 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 73 दिन का ही पूछता है, क्योंकि 365 में अगर हम 73 का भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। इसका मतलब टाइम का जो है पांचवा भाग देता है, वर्ष का पांचवा भाग देता है। अगर एक वर्ष का देखेंगे उसका पांचवा भाग ऐसे करके 73 दिन, अगर आपको तारीख दिया है और ऐसे दिया है तो अधिकांशतः देखा जाता है कि 73 दिन वाला क्वेश्चन बनता है। तब 73 दिन आपको आ जाएगा, इसका मतलब जो टाइम दिया है 1/5 वर्ष दिया है, ठीक है, 1/5 वर्ष। अब आपको कितना पैसा है, मूलधन कितना है, 4,500 रुपये, मूलधन, रेट कितना है, 15% है। यहाँ पर देखिए रेट कितना है, 15% है, मूलधन गुणे दर गुणे समय क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, यहाँ से आपको ब्याज मिल जाएगा, 5 × 15। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15 होता है, और 3 × 4 = 12 = 13, 135 रुपये आपको ब्याज मिल गया। और टोटल कितना था अमाउंट, 4,500। अब इसमें दोनों ऐड कर दीजिए, तो चुकाना कितना पड़ेगा, 4,635 रुपये, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।